फर्स्ट कोर्स इन ग्राफ थ्योरी। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। इस लेक्चर में किसी ग्राफ के वर्टाइसेस की नेबरहुड और टर्मिन क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी डिस्कस नेबरहुड इन अ ग्राफ। लेट जी बी अ ग्राफ। टू वर्टाइसेस इन जी आर सेड टू बी नेबर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दे आर एडजेसेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस दिए हुए डायग्राम के ग्राफ में वर्टाइसेस ए बी और सी एक दूसरे के नेबर्स कहलाएंगे बिकॉज दे आर एडजेसेंट विद ईच अदर। बट द वर्टेक्स ए इज नॉट नेबर ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ डी ई एफ जी एच एंड आई। यानी कि सी वर्टेक्स के सेट ऑफ नेबर्स में सिर्फ और सिर्फ उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस होते हैं, जबकि नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस उस वर्टेक्स की नेबर्स में शामिल नहीं होंगे। किसी वर्टेक्स के सेट ऑफ नेबर्स को दो तरह से लिखा जा सकता है। नंबर एक, ओपन नेबरहुड। किसी वर्टेक्स की नेबरहुड के तमाम वर्टाइसेस का सेट जिस सेट में बजाते खुद वर्टेक्स शामिल ना हो उस वर्टेक्स की ओपन नेबरहुड कहलाता है। एंड द सेकंड इज क्लोज्ड नेबरहुड। किसी वर्टेक्स के तमाम एडजेसेंट वर्टाइसेस यानी उसकी नेबरहुड का सेट जिसमें बजाते खुद वो वर्टेक्स भी शामिल हो उस वर्टेक्स के क्लोज्ड नेबरहुड का सेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इस गिवन ग्राफ में वर्टेक्स सी की ओपन नेबरहुड में सेट ऑफ वर्टाइसेस ए बी और डी शामिल होंगे, और जबकि इस वर्टेक्स सी के क्लोज नेबरहुड में वर्टाइसेस ए बी डी के अलावा बजाते खुद वर्टेक्स सी भी शामिल होगा। सो दिस इज नेबरहुड इन अ ग्राफ। नाउ अ ग्राफ जी मे हैज थ्री टाइप ऑफ वर्टाइसेस अकॉर्डिंग टू नेबरहुड्स। फर्स्ट टाइप में वो वर्टाइसेस जिनकी ओपन नेबरहुड एम्प्टी सेट और क्लोज्ड नेबरहुड एक सिंगलटन सेट होता है, मींस इटसेल्फ वर्टेक्स ओनली कंटेन्स इन इट्स क्लोज्ड नेबरहुड। सो दिस टाइप ऑफ वर्टेक्स शुड बी एन आइसोलेटेड वर्टेक्स व्हिच इज नॉट एडजेसेंट विद एनी वर्टेक्स इन एनी ग्राफ जी। इन अ गिवन ग्राफ वर्टेक्स आई इज ऑफ दिस टाइप। सेकेंड टाइप में वो वर्टाइसेस जिनकी ओपन नेबरहुड एम्प्टी सेट होती है, जबकि क्लोज नेबरहुड में एक वर्टेक्स से ज्यादा वर्टेक्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस गिवन ग्राफ में वर्टेक्स ई एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी ओपन नेबरहुड तो एम्प्टी सेट है, जबकि इसकी क्लोज नेबरहुड में वर्टेक्स ई डी और एफ शामिल हैं। इन अदर वे अ वर्टेक्स हैविंग लूप्स इज ऑफ दिस टाइप। इन थर्ड टाइप A vertex V having both open and closed non-empty neighborhoods other than isolated and loop-free vertex is of this type. So in a given graph, all the vertices in G except E and I are of this type. Now we discuss twin class. Twins of vertices are of two types. One is true twins and other is false twins. Two vertices U and V are twins true if the closed neighborhood of vertex U is equal to the closed neighborhood of vertex V, and two vertices U and V are twins false if open neighborhood of vertex U is equal to the open neighborhood of vertex V. In a given graph G, the vertices A and B are true twins because closed neighborhood of vertex A is equal to the closed neighborhood of vertex B, that is the set of vertices A, B and C. And in G, the vertices G and H are false twins because open neighborhood of vertex G is equal to the open neighborhood of vertex H, which is the set of vertex only F. We also have, if vertices are true twins, then they would not be false twins and vice versa. Also, if a vertex is not twin with any other vertex, then it is said to be self-twin. Relations. Two vertices U and V are twin equivalent, written as U twin equivalent to vertex V, if and only if either open neighborhood of vertex U is equal to the open neighborhood of vertex V or closed neighborhood of vertex U is equal to the closed neighborhood of vertex V. In the given graph G, vertex A is twin equivalent to
to the vertex B, and vertex G is even equivalent to vertex H, where all other vertices are self-twin equivalent. Now, the relation of twin equivalent is an equivalence relation of three types. One is reflexive, second is symmetric, and third is transitive. In reflexive equivalence relation, if vertex V is twin equivalent to vertex V, then same neighborhood of same vertex. So this is reflexive equivalence relation. And in symmetric, if vertex V is twin equivalent to vertex U, then open neighborhood of vertex V is equal to the open neighborhood of vertex U. Also can be written as open neighborhood of vertex U is equal to the open neighborhood of vertex V. So vertex U is twin equivalent to vertex V. And a transitive relation is, if V is twin equivalent to vertex U and vertex U is twin equivalent to vertex W, then we can write open neighborhood of vertex V is equal to the open neighborhood of vertex U, and open neighborhood of vertex U is equal to the open neighborhood of vertex W. It implies that open neighborhood of V is equal to the open neighborhood of vertex W, which implies that V is twin equivalent to W. So this is transitive relation. This equivalence relation defines a partition of V of G called twin partition, whose each part is called a class. Mathematically, a twin class of a vertex V is set of vertices U belong to V of G such that vertex U is twin equivalent to vertex V. Here some properties are, if V belong to twin class, then V is a class representative. Second is, each vertex belongs to exactly one twin class because for U is not equal to V. Either twin class of vertex U is equal to the twin class of vertex V, or twin class of vertex U intersection twin class of vertex V is equal to empty set phi. And a twin class TV is also the twin class for each of the vertex in TV. Now we discuss open neighborhoods, closed neighborhoods, and twin partition of every vertex in a graph G. So consider the graph G, then neighborhood of each vertex are given below. These are the sets of open neighborhood, and second is the these list of sets are closed neighborhood, and then twin partition is of this type. I hope you understand. Please comment if any query. And to get more, subscribe Science Solution. Thanks for watching Science Solution.